मेरा दुख तो आज भी कायम है कि आखिर जो नहीं हुआ वो नहीं हुआ। चेहरे पे लाल दे और राम जी का चेहरा क्यों नहीं देखा? आप बताइए कैसे मैं आपका काम करूं? नहीं कर सकता। मुजफ्फरपुर के सीजीएम कोर्ट में सीतामढ़ी के नव निर्वाचित सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के खिलाफ परिवाद दर्ज हुआ है। बीते दिनों कुशवाहा जाति के लालू यादव के साथ चले जाने वाले बयान को लेकर मामला दर्ज कराया गया है। ये मामला सामाजिक कार्यकर्ता और अहियापुर के निवासी दिलीप कुमार कुशवाहा ने दर्ज कराया है। इनका आरोप है कि सीतामढ़ी में जेडीयू के सांसद ने यादव मुस्लिम के साथ कुशवाहा जाति को लेकर भी टिप्पणी की थी। कुशवाहा समाज की छवि को खराब करने की कोशिश की गई, इसी को लेकर के ये परिवाद दायर किया गया है। इस मामले में परिवादी के अधिवक्ता हरिओम कुमार ने बताया कि सांसद सीतामढ़ी देवेश चंद्र ठाकुर ने कुशवाहा समाज को लेकर बयान दिया था, जिसको लेकर इस समाज के लोगों की भावना आहत हुई है, जिसमें आईपीसी की धारा 505 और 501 के तहत मामला दर्ज कराया गया है और इस मामले में सुनवाई की तिथि 2 जुलाई 2024 को तय हुई है। दिलीप कुमार कुशवाहा के तरफ से दाखिल किया गया है भादवी की धारा 505 और 501 में। वे और यह परिवाद देवेश चंद्र ठाकुर जो तत्काल सांसद निर्वाचित हुए हैं सीतामढ़ी क्षेत्र से, उन्हीं के विरुद्ध यह परिवाद दाखिल किया गया। क्या आरोप है? आरोप उन पर यही है, उन्होंने जातीय उन्माद फैलाने का काम किया है, विद्वेष फैलाया है उन्होंने जातियों के बीच। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि यादव मुस्लिम और कुशवाहा जाति के लोगों का काम वे नहीं करेंगे, और यादव जाति के बारे में उन्होंने बोला, कुशवाहा जाति के बारे में उन्होंने बोला है कि जिन कुशवाहा को काम है वे लालू यादव के पास चले जाएं, क्योंकि वही अधिक से अधिक सीट देने का काम किया है। यही मामला है। कौन-कौन धारा लगाया गया है? भादवी की धारा 505 और 501 में मुकदमा दर्ज किया गया। बता दें कि देवेश चंद्र ठाकुर ने अपने एक बयान में मुसलमान यादव और कुशवाहा समाज पर उन्हें वोट नहीं देने की बात कही थी। सीतामढ़ी में एक सभा में उन्होंने कहा था कि यादव और मुसलमान समाज के लोगों का उन्होंने बहुत सारा काम किया है, लेकिन इस समाज ने उन्हें वोट नहीं दिया, इसलिए अब हम उनका कोई काम नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि कोयरी जाति के लोगों ने भी एनडीए को वोट नहीं दिया। आप बताइए कैसे मैं आपका काम करूं? मैं नहीं कर सकता, और ये पहली बार मैं कर रहा हूं। मैं कहा उनको, ये पहली बार जिंदगी में 70 साल का उम्र हो गया मेरा, ये पहली बार कर रहा हूं, बड़े दुख के साथ कर रहा हूं, लेकिन कर रहा हूं और करूंगा। मेरे यहाँ हर एक मेरे मित्र यादव मित्र का स्वागत है, जो मित्र नहीं है पहली बार भी आना चाहते हैं उनका स्वागत है, यादवों का और मुसलमानों का। आइए चाय पीजिए, मिठाई खाइए, काम के बारे में मत बोलिए, मैं आपका काम नहीं करूंगा। स्पष्ट रूप से मैंने उसको बताया, एनडीए के समीकरण में से कितने वोटों का क्षरण हुआ, इसे कोई उचित कारण नहीं, एक भी उचित कारण नहीं। सूरी समाज में से आधा वोट से ज्यादा कट गया, क्या कारण है बताइए? अब जेडीयू के सीतामढ़ी के नव निर्वाचित सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के बयान को लेकर बिहार का सियासी पारा हाई है, और अब इनके दिए गए बयान को लेकर मुस्लिम और यादव के बाद अब कुशवाहा जाति के लोग भी सामने आ गए, जिसके बाद सांसद जी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनकी राजनीतिक बयानबाजी का मामला अब कोर्ट में भी पहुँच गया है। एनडीए के समीकरण में से कितने वोटों का क्षरण हुआ, इसे कोई उचित कारण नहीं, एक भी उचित कारण नहीं। सूरी समाज में से आधा वोट से ज्यादा कट गया, क्या कारण है बताइए? कलवार समाज में से 12 आना कट गया, क्या कारण है बताइए? कानू समाज का वोट मिला, निश्चित रूप से सौभाग्य है मेरा। कलवार समाज का वोट कट गया, क्यों कट रहा था? सब एनडीए का वोट था, क्यों कटा? क्यों कटा? कुशवाहा समाज अचानक वोट कट गया, क्यों कटा? अब कुशवाहा इसलिए नाराज, इसलिए खुश हो गए कि आदरणीय लालू जी ने 7 टिकट उनको दे दिया था। कमाल है भाई, 7 टिकट आपको दे गए तो आप खुश हो गए? इतने स्वार्थी हैं आप?
आपको भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री है आपकी पार्टी के, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी केंद्रीय मंत्री बनते, राजकाज ये दोनों स्थापित नेता आपके हैं, और आपको तीन एक्स्ट्रा एमपी बन गया, कोई चार पाँच छः दस बन जाता पूरे यहाँ सीतामढ़ी में, आपको क्या फर्क पड़ता उसका? आप उससे जाते काम करवाने? सोच देखिए कितनी विपरीत है। अरे मैं खाली चर्चा कर रहा हूँ, दुख से नहीं कर रहा, खाली चर्चा कर रहा हूँ कि हमारे बिहार की क्या परिस्थिति है, क्या परिस्थिति है। साथ आपको हो जाता तो आप जाइए उधर, जाइए मेरे पास आएंगे तो साथ में कौन, मैं जाइए इधर जो साथ में से जीते हैं वही जाइए काम करना अपना। अगर काम दो लोगों को कैसा लगेगा? कल एक सज्जन आए हमारे पास सुबह में, कल परसों सुबह में नहीं कल ही सुबह, बेचारे मुस्लिम समाज के थे, बेचारे का दुर्भाग्य था कि पहली बार मेरे पास आया, कुछ काम कराने आया, आरोही का समस्या रेलवे ब्रिज के नीचे उसका दुकान वुकान करके होता है, लेकिन सही में आदमी शरीफ था, अच्छा आदमी था, आया कहा कि सर ऐसे 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 ऐसे, उन्होंने कहा भाई साहब उनको लगता है मेरे यहाँ पहली बार आए, कहाँ से उनको पहली बार आए? हमने कहा ये भी वोट हुआ उसमें निश्चित रूप से अपने लालटेन को ही वोट दिया होगा। ठीक है आप पहली बार आए इसलिए मैं आपको कम बोल रहा हूं, उनको मैंने कहा नहीं तो मैं छोड़ता नहीं हूं किसी को, आप पहली बार आए हैं, चाय मंगाता हूं आपके लिए, मिठाई मंगाता हूं आपके लिए, और उसके बाद आपको दुआ सलाम करके खुदा हाफिज कर दूंगा, काम मैं आपका नहीं करूंगा, इसलिए कि तीर दबा अगर मेरे लिए आप तीर दबाते तो आपको उस तीर में नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखाई देता है, इसलिए आपने लालटेन दबाया। तो यही बात है तो मैं आपके काम करते वक्त आपके चेहरे पे लालटेन और लालू जी का चेहरा क्यों नहीं देखूं? आप बताइए कैसे मैं आपका काम करूं? मैं नहीं कर सकता, और ये पहली बार मैं कर रहा हूँ, मैं कहा उनको ये पहली बार जिंदगी में 70 साल का उम्र हो गया मेरा, ये पहली बार कर रहा हूँ, बड़े दुख के साथ कर रहा हूँ लेकिन कर रहा हूँ और करूँगा। मेरे यहाँ हर एक मेरे मित्र यादव मित्र का स्वागत है, जो मित्र नहीं है पहली बार भी आना चाहते हैं उनका स्वागत है, यादवों का और मुसलमानों का, आइए चाय पीजिए मिठाई खाइए, काम के बारे में मत बोलिए, मैं आपका काम नहीं करूंगा। स्पष्ट रूप से मैंने उसको बताया, जरा कहा सर आपके जैसा फ्रैंक और स्पष्टवादी मैंने नहीं देखा है, काश मैं आपसे पहले मिला रहता तो मुझे अच्छा लगता, ये कहा बेचारा, कहा नहीं ठीक है सर आपका भावना एकदम सही। मैंने कहा बाबू मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे यहाँ 20 साल 25 साल से व्यक्तिगत कामों में सबसे ज्यादा व्यक्तिगत काम अगर हुआ है इसी दो समाज का हुआ है। व्यक्तिगत काम के लिए आते हैं लोग, पहले पुलिस या पर भी कहीं स्वास्थ्य का पर भी अस्पताल जाना है, एम्स में जाना है, IIMS में जाना है, कहीं कहीं जाना है, सारे अस्पतालों का सबका काम हम लोग करते हैं आँख बंद करके, जो पहली बार जिंदगी में उसका भी करते हैं। लेकिन जब सिर्फ और कोई कारण हो जिसके कारण तुम हमको वोट नहीं दोगे तो कोई बात नहीं, कोई तुमको हमारे क्षेत्र में मैंने कुछ नहीं कराया हो, तुमको कोई कष्ट पहुँचाया हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि हम बीजेपी से जुड़े हुए हैं या हम और तुमको मोदी जी का चेहरा दिखता है, भाई मोदी जी ने अन्न धन योजना चलाया पूरे दुनिया में तो किसी को वंचित रखा क्या उसमें? अब सभी को वंचित रखा क्या? कोविड में दबाव हमारी आदरणीय मोदी जी ने और करोड़ों लोगों की जान बचाई,